एक मकान को जमींदोज किया गया प्रशासन की तरफ से, क्या मामला है? आपराधिक मनोवृत्ति कितना नीचे गिर सकती है, ऐसा अमानवीय चेहरा विगत दिनों हमारे शहर में देखने को मिला। 19 मार्च के दिन सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना हमारे शहर के पास शहडोल में क्षीर सागर नामक पर्यटन स्थल पर घटित हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाए। उसके तहत जब हमने उसके वेयरअबाउट्स पता लगाया मुख्य आरोपी के, तो मालूम पड़ा कि उसने 300 वर्ग फीट की जो उसकी खेती हर भूमि थी उस पर 1300 वर्ग फीट का निर्माण किया गया था जो नियम के विरुद्ध था, अतः उस निर्माण को तोड़ा गया। इस मैडम जो घटनाएं हुई थी उसमें और भी आरोपी हैं क्या, उनके ऊपर भी? जी हाँ, इसके साथ में मुख्य आरोपी के साथ दो उसके नौकर हैं। वो दोनों नौकर जो है वो किराए के मकान में रहते हैं और जो मुख्य आरोपी था जिसका कि मकान तोड़ा गया है। मैम कितने की लागत से बना था या कुछ ऐसा बता सकते? उसकी वर्तमान में गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो कम 1.5 करोड़ का मूल्य निर्धारित होता है।